नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसान अधिक पैदावार के लिए लगाएं सोयाबीन की नई विकसित किस्म MSES 1407। ICR द्वारा विकसित की गई सोयाबीन की कीट प्रतिरोधी किस्म। हरियाणा में किसान जला रहे हैं गेहूं के अवशेष। सिरसा में 15 किसानों पर लगाया गया जुर्माना। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने मंडी कर्मियों के लिए की बड़ी घोषणा। मंडी कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर 25 लाख का मुआवजा। इन सभी खबरों पर आज का किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आए दिन फसलों की नई नई किस्मों को विकसित किया जाता है। इसी कड़ी में हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने सोयाबीन की एक ऐसी किस्म को विकसित किया है जिसे न सिर्फ किसानों को अधिक उपज मिलेगी बल्कि ये किस्म कीट प्रतिरोधी भी है, यानी कि इस किस्म में कीटों का प्रकोप नहीं हो सकेगा। ICR द्वारा विकसित की गई इस नई किस्म को MSES 1407 नाम दिया गया है। इस किस्म को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान MSES अग्राहा रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से विकसित किया है। उन्होंने पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करके MSES 1407 किस्म को विकसित किया है। आपको बता दें कि इस किस्म की कीट प्रतिरोधी क्षमता काफी अधिक है। ये गर्डल बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर, स्टेम फ्लाई, एफिड्स व्हाइट फ्लाई और डिफोलिएटर जैसे प्रमुख कीट पतंगों की प्रतिरोधी है, जिससे फसल को कीटों से नुकसान पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाती है। खास बात यह है कि इस किस्म में किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि फसल लागत में भी कमी आएगी। MSES 1407 नाम की ये नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोयाबीन की ये नई किस्म बिना किसी उपज हानि के 20 जून से 5 जुलाई के दौरान बुआई के लिए अनुकूल है। MSES 1407 को 50% फूलों की कुसुमित होने के लिए औसतन 43 दिनों की जरूरत होती है, जबकि पूरी तरह से पककर तैयार होने में करीब 104 दिन लगते हैं। इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले हीलम होते हैं। ये किस्म प्रति हेक्टेयर में 39 क्विंटल की पैदावार देती है, जो सोयाबीन की इस किस्म को अधिक उपज देने वाली किस्मों में शामिल करता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को बाजार में इसके बीज साल 2022 के खरीफ मौसम के दौरान उपलब्ध हो सकेंगे। दिल्ली और आसपास के राज्यों में पिछले कुछ सालों से पराली जलाने को लेकर कई नियम कानून बनाए गए हैं। किसानों को कई जागरूकता अभियानों के जरिए भी पराली न जलाने की सलाह दी जाती है, तो वहीं पराली जलाने को लेकर कानूनी तौर पर भी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन बावजूद इसके किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में हरियाणा के सिरसा जिले में कृषि विभाग ने 15 किसानों पर पराली जलाने को लेकर जुर्माना लगाया है। इसी के साथ कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने जिले के सभी कृषि विकास अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फसली अवशेष जलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई किसान अवशेषों में आग लगाता पाया जाता है तो IPC की धारा 188 सहपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा। आपको बता दें कि किसान जुर्माने से बचने के लिए अधिकतर पराली को रातों में आग लगाते हैं, लेकिन इससे कई बार आसपास के खेतों तक आग फैल जाती है और बड़े नुकसान की संभावना बनी रहती है। पराली जलाने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती है। इसी के साथ मिट्टी में विद्यमान मित्र कीटों की कमी होने के कारण जमीन में उपजाऊ शक्ति घटने लगती है, इससे प्रतिवर्ष उत्पादन कम हो जाता है। इन सब जानकारी के बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आते। जिला प्रशासन ने जिले के किसानों से भूमि में अवशेष मल्चर, रोटावेटर, चोपर, स्टार रीपर, हैप्पी सीडर कृषि यंत्रों का प्रयोग करके अपने खेतों में बचे हुए अवशेषों को भूमि में मिलाने का आह्वान भी किया है।
देश भर में कोरोना के कारण हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत किसी भी मंडी कर्मचारी की अगर कोरोना से मौत होती है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार कृषि मंडियों में काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना के चलते मौत हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश की मंडियों में उपार्जन का काम चल रहा है। किसान इन दिनों चना, सरसों, मसूर और गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने मंडियों में पहुंच रहे हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान बड़ी संख्या में मंडी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 31 मंडी कर्मचारियों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। खास बात यह है कि ये मुआवजा राशि मंडी में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक समान है, चाहे कोई अफसर हो या फिर कोई छोटा कर्मचारी। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।